हेलो फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, एक और बेहद सुंदर यूनिक निटिंग पैटर्न मैं लेके आई हूँ। इस पैटर्न को देखिए, हम लेडीज़ कार्डिगन्स में भी पैनल बना के भी लगा सकते हैं, बना सकते हैं, या आप पूरे कार्डिगन स्वेटर्स पुलओवर्स में इसे डालना चाहते हैं तो उस तरह से भी आप इसे बना सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो डिज़ाइन है, ये मैंने दो बार बनाया हुआ है, और जैसे जैसे ये ऊपर चढ़ता है तो ये साइड में हाफ और बीच में डिज़ाइन इस तरह से पड़ता जाता है दो के बीच में। तो ये डिज़ाइन जो है हम 28 रोज़ में बनाएंगे, 28 सिलाइयों का ये रिपीट पैटर्न है। और इस पैटर्न को बनाने के लिए हमने फंदे जो हैं वो 14 के मल्टीपल में लेने हैं। 14 के मल्टीपल में फंदे लेने के बाद, 14 प्लस 14, इस तरह से फंदे लेने के बाद हमने एक फंदा लास्ट में और लेना है। देखिए, यहाँ पे इस सैंपल पे मैंने जो है एजेस पे एक एक फंदे रखे हुए हैं, और अगर आपको दो दो या तीन तीन रखने हैं तो आप उस तरह से भी रख सकते हैं। तो ये इस तरह से मैं वीडियो में सिर्फ फ्रंट साइड की रोज़ ही बताऊँगी, क्योंकि जो ये रॉन्ग साइड की रोज़ हैं इस पर हमने सारी की सारी सिलाइयाँ इस तरह से बनानी कि सीधा, जहाँ पे सीधा फंदा नज़र आएगा हमने वहाँ पे सीधा बुनते जाना है, और जो उल्टा फंदा हमें नज़र आएगा उसे हमने उल्टा बुनते जाना है, और जो जितने भी जाली वाले फंदे जैसे पड़ते जाएंगे उन्हें भी हमने उल्टा बुनते जाना है। तो रॉन्ग साइड की रोज़ आपने इस तरह से फॉलो करनी है, और ये फिर बहुत ही सुंदर इस तरह से ये पैटर्न जो है बन के आता है। तो चलिए अब इसे बनाना शुरू करते हैं। तो ये वाला जो सैंपल है, ये मैंने जो है बेबी वूल में बनाया हुआ है, बारीक होती है ये वूल, और ये 11 नंबर की नीडल्स पे बनाया हुआ है। तो ये जो डिज़ाइन है ये थोड़ा सा इकट्ठा होने वाला है, क्योंकि इसमें केबल भी पड़ती हैं। तो देखिए, इस पैटर्न को अगर आपको बनाना है तो थोड़े से फंदे जो हैं आपको ज़्यादा लेने की इसको ज़रूरत है, अगर कार्डिगन्स पुलओवर्स स्वेटर्स में आपको इसको डालना है। तो चलिए अब इसे बनाना शुरू करेंगे। इस सैंपल को अब बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 4-ply एक्रिलिक वूल ली हुई है, और अब इसे मैं 9 नंबर की नीडल्स पे यहाँ पे बनाने जा रही हूँ। तो देखिए, अब इस पैटर्न को जब हम बॉर्डर वगैरह बना लेंगे तो हम इस पैटर्न को जो है फ्रंट साइड से शुरू करेंगे, और 28th रो जो होगी हमारी रॉन्ग साइड पर होगी। तो रो 1 देखिए हमने किस तरह से बनानी है। अब पहला फंदा तो हम देखिए स्लिप कर लेंगे, स्लिप करने के बाद धागा हम कर लेंगे इस तरह से पीछे, और अब दो फंदों को हम इस तरह से साथ में बुन लेंगे, दो का एक हमने ऐसे कर लेना है। तो यहाँ पे दो का एक करने के बाद अब दो फंदे सीधे, दो फंदे सीधे बनाने के बाद अब एक फंदा उल्टा और धागा पीछे, अब एक फंदा सीधा, अब एक फंदा। अब यहाँ पे देखिए, जो ये हमने ये एक सीधा फंदा बुना है, यहाँ पे हमने जाली डालनी है। जाली हम इस तरह से भी डाल सकते हैं धागे को आगे करके, और इस तरह से दोबारा से घुमा के, और अगर इस तरह से नहीं डालनी है, छोटी जाली आपको पसंद है, बहुत ज़्यादा बड़ी जाली पसंद नहीं है, तो आप इस तरह से डालिएगा, क्योंकि अगला फंदा हमने उल्टा बुनना है। तो अब धागा ऐसे ही रहने देंगे और इसे उल्टा बुन लेंगे, तो इस तरह से हमारी यहाँ पे एक जाली पड़ जाएगी देखिए। और यहाँ पे इसके इस उल्टे फंदे के इधर भी हमने इसी तरह से जाली डालनी है। तो अगला फंदा हमने सीधा बुनना है, तो धागा ऐसे ही रहने देंगे, और यहाँ पे देखिए इस तरह से खुद ये जाली पड़ जाती है जब आगे वाला एक फंदा हमने सीधा बुन लिया है। तो एक फंदा हमने आगे सीधा बुन लिया है, और एक फंदा अब नेक्स्ट हम उल्टा बुनेंगे। उसके बाद अब हमने दो फंदे सीधे बुनने हैं, एक दो। अब दो फंदों का करना है हमने एक फंदा ऐसे, अब यहाँ पे एक फंदा हम इस तरह से उल्टा बुन लेंगे। तो ये स्टिच हम छोड़ देते हैं। अब यहाँ से यहाँ देखिए हमारे कितने फंदे होते हैं, 2, 4, 6, 8, 10, 12 और 14। ये जो जाली वाले फंदे हैं इनके साथ जो हैं, यहाँ पे हमारे फंदे घटे हैं साइड्स में, तो यहाँ पे बड़े हैं, तो ये हमारे 14 स्टिचेस बनते हैं, 14 फंदे बनते हैं। जैसे हमने ये बनाए हैं वैसे ही रिपीट करेंगे अब इस उल्टे फंदे के बाद। तो अब देखिए हमने क्या किया,
धागा पहले पीछे कर लेंगे। पहले हमने दो फंदों का एक फंदा करना है ऐसे, फिर दो फंदे सीधे, एक दो, एक फंदा उल्टा, एक सीधा। यहाँ पे हम जाली डालेंगे और आगे वाला फंदा जो है उल्टा बुन लेंगे ऐसे। अब यहाँ जाली डालेंगे और आगे वाला फंदा जो बनाएंगे वो सीधा बनाएंगे ऐसे। एक फंदा उल्टा, दो फंदे सीधे, और अब दो फंदों को हम ऐसे स्लिप करके घुमा के बैक लूप से दोनों को साथ में इकट्ठा बुन लेंगे, और लास्ट वाला फंदा हम बुन लेंगे उल्टा ऐसे। तो ये रो वन हम जो है हर 14 फंदे जो है इस तरह से बनाते जाएंगे। तो अब देखिए, रॉन्ग साइड की रोज मैंने बता दी हैं आपको किस तरह से बनानी है, सीधे पे सीधा, उल्टे पे उल्टा, और जाली वाला फंदा भी उल्टा। तो अब आते हैं हम रो थ्री फ्रंट साइड पे। तो रो थ्री बनाने के लिए देखिए, हमने पहला फंदा तो स्लिप कर लेना है ऐसे, और अब धागा कर लेंगे हम पीछे। अब यहाँ पे फिर से हमने इस रो में भी क्या करना है, दो का एक करना है शुरू में इस तरह से। इसके बाद एक फंदा हमें सीधा नज़र आएगा वो हम सीधा बना लेंगे, एक फंदा उल्टा नज़र आएगा उसे उल्टा बना लेंगे, उसके बाद एक फंदा सीधा नज़र आ रहा है उसे सीधा बना लेंगे, और यहाँ पे देखिए हम डालेंगे एक जाली ऐसे। इसके बाद एक फंदा सीधा और ये एक फंदा उल्टा है, ये एक फंदा सीधा, और यहाँ जाली, एक फंदा सीधा नज़र आ रहा है सीधा बनाएंगे, एक उल्टा नज़र आ रहा है उल्टा बनाएंगे, एक फंदा सीधा बनाएंगे, और यहाँ पे दो का एक हम ऐसे कर लेंगे स्लिप करके घुमा के बैक लूप से, दो का एक ऐसे। तो एक फंदा उल्टा बना लेंगे। तो देखिए यहाँ पहले फंदे को छोड़ दीजिए, यहाँ से यहाँ हमारे ये 14 फंदे जैसे हमने बनाए हैं वैसे ही रिपीट करेंगे। तो देखिए कैसे बनाए थे, दो का एक किया हमने ऐसे शुरू में, एक फंदा सीधा, एक उल्टा, एक सीधा, जाली, ये जाली से बना हुआ फंदा सीधा बुनेंगे, ये बीचों बीच फंदा है ये उल्टा बुनेंगे, जाली से बना हुआ फंदा सीधा बुनेंगे, यहाँ जाली डालेंगे, एक फंदा सीधा, एक उल्टा, एक सीधा, और दो का एक ऐसे एंड में, और लास्ट में एक फंदा उल्टा। तो ये रिपीट कर लिए हमने 14 फंदे। तो रो थ्री हम इस तरह से बनाते जाएंगे, और रो फोर बना लेते हैं हम। तो अब बनाएंगे हम रो फाइव। तो पहला फंदा स्लिप, धागा पीछे, यहाँ पे दो सीधे फंदे नज़र आ रहे हैं दोनों को हम साथ में ऐसे बुनेंगे, एक उल्टा नज़र आ रहा है इसे उल्टा बुनेंगे, एक सीधा है इसे भी सीधा बुनेंगे, यहाँ डालेंगे जाली, और यहाँ पे दो फंदे सीधे, एक दो, एक फंदा उल्टा, दो फंदे सीधे, एक दो, एक जाली, एक फंदा सीधा, एक उल्टा, यहाँ डालेंगे, यहाँ दो का एक ऐसे करेंगे, और एक फंदा उल्टा। तो यहाँ पहला फंदा छोड़ दीजिए, यहाँ से यहाँ हमारे जैसे फंदे बने हैं वैसे ही हम बनाते जाएंगे। तो देखिए धागा पीछे करेंगे, दो का एक पहले ऐसे करेंगे, एक फंदा उल्टा बुनेंगे, एक सीधा, एक जाली, दो फंदे सीधे, एक दो, एक फंदा उल्टा, दो फंदे सीधे, एक जाली, एक सीधा, एक उल्टा, और दो का एक यहाँ ऐसे, और एक फंदा लास्ट में उल्टा। तो ये रो फाइव हम ऐसे बनाते जाएंगे। अब रो सिक्स हम बना लेते हैं। तो अब आ गए हैं हम रो सेवन पे। तो पहला फंदा स्लिप कर लेंगे यहाँ पे। अब देखिए एक सीधा फंदा है एक उल्टा फंदा है, तो इन दोनों को भी हम इसी तरह से साथ में बुन लेंगे ऐसे।
अब एक फंदा सीधा नज़र आ रहा है, इसे सीधा बुनेंगे। यहाँ डालेंगे एक जाली और तीन फंदे सीधे, एक दो तीन। एक फंदा उल्टा है, इसे उल्टा बुनेंगे। तीन फंदे जो हैं सीधे बुनेंगे, एक डालेंगे यहाँ जाली, एक फंदा सीधा और दो का एक यहाँ पे ऐसे, और एक फंदा यहाँ उल्टा। तो अब देखिए ये यहाँ से यहाँ 14 फंदे जैसे बुने हैं हमने, वैसे ही रिपीट करेंगे। तो शुरू में देखिए हमने उल्टा और सीधा फंदा साथ में इस तरह से बुना, एक फंदा सीधा बुना, एक जाली डाली, तीन फंदे सीधे बुने, धागा अपनी ओर करने के बाद एक उल्टा फंदा है उसे उल्टा बुना, तीन फंदे सीधे बुने, एक जाली डाली, एक फंदा सीधा बुना और दो का एक यहाँ पे ऐसे किया, लास्ट वाला फंदा हम उल्टा बुनेंगे ऐसे। तो ये हमारी 7 रोज कंप्लीट हो चुकी हैं और अब हम 8th रो बना लेते हैं। तो अब हम बनाएंगे 9th रो। तो देखिए अब हम 9th रो बनाने के लिए क्या करेंगे, पहला फंदा स्लिप करेंगे, धागा पीछे करेंगे। अब यहाँ पे ये जो सीधे फंदे नज़र आ रहे हैं इन्हें हमने साथ में इस तरह से बुनना है ऐसे, और यहाँ पे अब हम डालेंगे जाली, दो का एक किया, जाली डाली। और अब देखिए यहाँ पे 4 फंदे नज़र आ रहे हैं, इन चारों पे हमने केबल डिज़ाइन डालना है। तो देखिए इसके लिए सबसे पहले हम ये वाले जो आगे वाले 2 फंदे हैं ये सामने की ओर से फ्रंट साइड से उठा के इस तरह से आगे लेके आएंगे, ऐसे, और इन्हें अब हम पहले बुनेंगे, एक दो, और ये पहला और दूसरा फंदा जो है इन्हें हम तीसरे और चौथे नंबर पर ऐसे बुनेंगे। ये हमने यहाँ पे केबल डिज़ाइन डाल दिया है और यहाँ पे ये उल्टा फंदा नज़र आ रहा है, इसे उल्टा बुन लेंगे। यहाँ पे भी हमने केबल डिज़ाइन डालना है लेकिन अब हम यहाँ पे ये जो तीसरा और चौथा फंदा है ये 4 सीधे फंदों में इन्हें पीछे की ओर से लेके आएंगे और इस तरह से हम यहाँ पे सिलाई पर लगा लेंगे ऐसे, और फिर इन्हें पहले बुनेंगे सीधा सीधा और फिर ये फंदे भी बुन लेंगे हम। तो ये ऑपोजिट डायरेक्शन में हमने ये केबल डिज़ाइन डाला है। यहाँ एक जाली डालेंगे और अब दो का एक यहाँ पे ऐसे करेंगे और आगे जो एक उल्टा फंदा नज़र आ रहा है इसे हम उल्टा बुन लेंगे। तो यहाँ से यहाँ देखिए हमारे 14 फंदे जैसे बने हुए हैं वैसे ही रिपीट करने हैं। देखिए रिपीट करेंगे, दो का एक करेंगे, जाली डालेंगे, यहाँ पे हमने केबल डालना है, यहाँ पे हम इस तरह से बना लेते हैं, यहीं पे बुन लेते हैं इन्हें ऐसे। पहले ये फंदा बुनेंगे, फिर ये चौथा फंदा बुनेंगे। अगर आप इस तरह से बुन सकते हैं तो ऐसे बुन लीजिए, अदरवाइज़ आप इन्हें आगे लेके आना चाहते हैं फिर बुनना चाहते हैं तो वैसे भी कर सकते हैं। तो ये हमने ऐसे बुने कर लिया है केबल का डिज़ाइन। अब एक फंदा उल्टा, अब यहाँ पे भी हमने करना है। देखिए तो पहले हम ये आगे वाले 2 फंदे लेके आएंगे सामने ऐसे, सिलाई पर लगा लेंगे और फिर इन्हें बुनेंगे पहले। तो ये 4 फंदों का केबल हमने ऑपोजिट डायरेक्शन में फिर से बना लिया है और एक जाली डालेंगे, यहाँ पे 2 का एक ऐसे करेंगे और लास्ट में एक फंदा रहेगा उसे हमने उल्टा बुनना है। तो ये रो 9 जो है हम ऐसे बुनेंगे। तो रो 10 बना लेते हैं, सीधे पे सीधा, उल्टे पे उल्टा। तो यहाँ पे हमारी 10 रोज जो हैं कंप्लीट हो चुकी हैं। तो अब बनाएंगे हम 11th रो। पहला फंदा कर लेंगे स्लिप। अब आगे देखिए हमने ये फंदा नज़र आ रहा है, इसे एक फंदे को सीधा बुन लेना है और इसके बाद देखिए जाली से बना फंदा है इसे हम उल्टा बुनेंगे ऐसे। उसके बाद देखिए 4 फंदे हैं सीधे सीधे बुनेंगे, 1 2 3 और ये 4। एक फंदा उल्टा नज़र आ रहा है इस उल्टा बुनेंगे, 4 फंदे सीधे बुनेंगे, 1 2 3 4।
एक फंदा ये उल्टा बुनेंगे, जाली से बना हुआ फंदा है, फिर उसके नेक्स्ट वाला एक सीधा नज़र आ रहा है इसे सीधा बुनेंगे, एक फंदा बुनेंगे हम उल्टा। तो यहाँ से यहाँ हमारे ये 14 फंदे जैसे बने हैं, ये रिपीट करेंगे। तो रिपीट करेंगे तो देखिए क्या करेंगे हम, धागा पहले पीछे कर लेंगे, एक फंदा सीधा एक उल्टा, चार फंदे सीधे एक, दो तीन चार, ये बीच वाला फंदा उल्टा है, फिर चार फंदे सीधे एक दो तीन चार, फिर एक फंदा उल्टा, फिर एक फंदा सीधा और लास्ट वाला फंदा उल्टा, ऐसे। तो अब 12th रो हम बना लेते हैं, सीधे पे सीधा और उल्टे पर उल्टा। और इस पर ध्यान देना है, एक फंदा जो हमने यहाँ पे जाली वाला फंदा उल्टा बुना है, इसे हमने रॉन्ग साइड पे सीधा बुनना है। तो सीधा दिखाई दे रहा है, इसे ध्यान से बुनना है, सीधे पे सीधा उल्टे पे उल्टा। तो अब आ गए हैं हम 13th रो पे, देखिए। अब 13th रो पे हमने क्या करना है, पहला फंदा तो हम कर लेंगे स्लिप, धागा कर लेंगे पीछे, एक फंदा बनाएंगे सीधा एक उल्टा जैसे हमने पहले बनाया, ऐसे, फिर धागा कर लेंगे पीछे। अब देखिए ये केबल हमने यहाँ पे फिर से डालनी है, तो यहाँ पे उसी तरीके से करेंगे जैसे हमने पहले किया, तीसरा चौथा फंदा पहले बुनेंगे, फिर उसके बाद पहला और दूसरा। तो ये चार फंदों का केबल हमने ऐसे डाल दिया। अब एक फंदा बीच में उल्टा नज़र आ रहा है, इसे उल्टा बनाएंगे, और यहाँ अब चार फंदे सीधे नज़र आ रहे हैं, इन पे भी केबल डालेंगे। तो ये यहाँ पे हम इस तरह से डालेंगे, ये ऐसे, इसके बाद एक फंदा उल्टा बुनना है और एक सीधा बुनना है और एक फंदा उल्टा, ऐसे। तो अब यहाँ से यहाँ जैसे हमने ये फंदे बुने हैं वैसे रिपीट करेंगे, देखिए, एक फंदा सीधा एक उल्टा, धागा पीछे। अब डालेंगे हम चार फंदों पे केबल, ऐसे जैसे पहले किया, सेम उसी तरीके से, ऐसे। एक फंदा उल्टा नज़र आ रहा है, उल्टा बुनेंगे, फिर यहाँ पे फिर से हमने केबल डालना है उल्टी डायरेक्शन में, एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में, ऐसे, और एक फंदा उल्टा एक सीधा और लास्ट वाला उल्टा। तो ये हमने 14 फंदे जो है रिपीट कर लिए हैं, और इसी के साथ हमारी 13th रो भी कंप्लीट हो चुकी है। और 14th रो बना लेते हैं अब, सीधे पे सीधा उल्टे पे उल्टा। तो अब आ गए हैं हम 15th रो पे, देखिए आधा डिज़ाइन हमारा कंप्लीट हो चुका है। और 15th रो पे देखिए अब हमने क्या करना है, पहला फंदा स्लिप करेंगे, यहाँ पे देखिए अब हमारा पैटर्न चेंज हो जाएगा थोड़ा सा। पहला फंदा स्लिप करने के बाद देखिए अब हमने यहाँ पे जाली डालनी है, तो यहाँ पे अब हम ऐसे जाली डाल लेंगे, ऐसे, और एक फंदा बुनेंगे सीधा, उसके बाद एक फंदा उल्टा है उसे उल्टा बुनेंगे, उसके बाद धागा पीछे करेंगे, दो फंदे सीधे बुनेंगे, एक दो, इसके बाद ये दो फंदे हैं इन्हें हमने साथ में बुनना है, ऐसे स्लिप करके घुमा के और ऐसे बैक लूप से साथ में, ये ऐसे। अब आगे एक फंदा उल्टा है, इसे उल्टा बुनेंगे, फिर दो का एक यहाँ पे ऐसे करेंगे, दो फंदे सीधे बुनेंगे, एक फंदा उल्टा है उसे उल्टा बुनना है, एक सीधा है उसे सीधा बुनना है, ऐसे। तो अब हमने यहाँ पे जाली डालनी है, तो यहाँ पे देखिए हम जाली डालेंगे, छोटी जाली डालेंगे, जहाँ यहाँ पे डबल घुमा के जैसे डालिए वैसे नहीं डालेंगे। तो आगे वाला फंदा क्योंकि उल्टा है तो हम धागा ऐसे ही रहने देंगे,
और इसे भी बुन लेंगे और यहाँ पे बुनते हुए हमारी जाली खुद पड़ जाएगी। तो ये पहला फंदा छोड़ दीजिए, यहाँ से यहाँ हमारे ये 14 फंदे होते हैं और जैसे हमने बनाए हैं वैसे ही रिपीट करेंगे। देखिए तो पहली हमारी जाली है, तो यह धागा ऐसे ही रहने देंगे, आगे वाला फंदा सीधा है, तो ये हमारा फंदा भी बन जाएगा और जाली भी पड़ जाएगी। उसके बाद एक फंदा उल्टा है, फिर यहाँ पे अब दो फंदे सीधे बुनेंगे, दो फंदों को ऐसे साथ में बुनेंगे, एक फंदा उल्टा बुनेंगे, यहाँ पे दो फंदों को हमने ऐसे साथ में बुनना है और दो फंदे सीधे बुनेंगे ये वाले, फिर यहाँ पे एक फंदा उल्टा है उसे उल्टा बुनेंगे, एक फंदा सीधा है उसे सीधा बुनेंगे। अब यहाँ पे हम क्योंकि लास्ट वाला फंदा उल्टा बुनते हैं तो हम धागा आगे कर लेंगे और एक बार फिर से इसे ऐसे घुमा लेंगे तो जाली डाल लेंगे, फिर लास्ट वाला फंदा हम उल्टा बुन लेंगे। तो अब हम 16th रो भी कंप्लीट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स 17 रोज़ के बाद देखिए हमारा ये पैटर्न इस तरह से नज़र आएगा। और अब बनाएंगे हम 17th रो। अब ये 17th रो बनाएंगे देखिए। तो अब पहला फंदा हम स्लिप करेंगे, धागा कर लेंगे पीछे और ये जाली से बना हुआ फंदा है इसे हम सीधा बुन लेंगे ऐसे, और उसके बाद यहाँ पे डालेंगे एक जाली, धागा आगे करके ऐसे जाली। उसके बाद एक फंदा सीधा है उसे सीधा बुनेंगे, एक फंदा उल्टा है उसे उल्टा बुनेंगे, धागा पीछे कर लेंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे और अब यहाँ पे दो सीधे फंदों को हमने साथ में ऐसे बुनना है। एक उल्टा फंदा नज़र आ रहा है इसे उल्टा बुनेंगे, अब यहाँ पे दो सीधे फंदों को हमने ऐसे साथ में बुनना है और अगला सीधा फंदा सीधा बुनना है। एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, यहाँ पे डालेंगे हम जाली, एक फंदा ये जाली से बना हुआ इसे सीधा बुनेंगे और ये एक फंदा उल्टा। तो ये देखिए यहाँ से यहाँ हमारे ये जैसे 14 फंदे बने हैं वैसे रिपीट करेंगे। और देखिए जैसा ये हमारा जाली वाला डिज़ाइन यहाँ पे शुरू में बना है, यहाँ पे बना है, तो अब ये ठीक बीचों बीच यहाँ पे बनने जा रहा है। तो अब देखिए ये 14 फंदे हम रिपीट करेंगे। तो अब धागा पीछे कर लिया है हमने, एक फंदा जाली से बना हुआ है जो उसे सीधा बुनेंगे और इसके बाद डालेंगे एक जाली, एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा और दो फंदों को ऐसे साथ में बुनेंगे। एक फंदा उल्टा नज़र आ रहा है इसे उल्टा बुनेंगे और यहाँ पे भी दो का एक ऐसे करेंगे। एक फंदा सीधा है सीधा बुनेंगे, एक उल्टा है उल्टा बुनेंगे, फिर से सीधा है उसे सीधा बुनेंगे, उसके बाद डालेंगे जाली, एक जाली से बना फंदा सीधा और लास्ट में एस स्टिच हम उल्टा। तो अब जो साइड्स हैं वहाँ पे हमारे ये हाफ डिज़ाइंस बनेंगे यहाँ पे और बीच में पूरा बनेगा। तो अब हम 18th रो पूरी कंप्लीट कर लेते हैं। तो अब 18th रो कंप्लीट हो चुकी हैं और ये अब आती है 19th रो। 19th रो देखिए हम किस तरह से बनाएंगे। पहला फंदा स्लिप, धागा पीछे, ए यहाँ पे दो फंदे सीधे बनाएंगे जो जाली से बने हुए हैं ये दोनों, उसके बाद डालेंगे यहाँ पे जाली, एक फंदा सीधा नज़र आ रहा है इसे सीधा बुनेंगे, एक फंदा उल्टा नज़र आ रहा है इसे उल्टा बुनेंगे, धागा पीछे कर लेंगे और यहाँ पे दो का एक ऐसे कर लेंगे ऐसे, फिर एक फंदा उल्टा नज़र आ रहा है इसे उल्टा बुनेंगे, धागा पीछे करेंगे, फिर से दो का एक हम यहाँ पे ऐसे कर लेंगे, एक फंदा उल्टा है उसे उल्टा बुन लेंगे, एक सीधा है उसे सीधा बुन लेंगे, जाली डालेंगे, दो फंदे सीधे बुनेंगे और ये एक फंदा उल्टा नज़र आ रहा है इसे उल्टा बुनेंगे ऐसे। तो अब ये 14 फंदे जैसे हमने बुने हैं वैसे ही रिपीट करेंगे। देखिए दो फंदे सीधे, एक दो, जाली, एक फंदा सीधा, एक उल्टा, दो का करेंगे यहाँ पे एक ऐसे, एक फंदा
उल्टा है, उल्टा बुनेंगे, दो का करेंगे यहाँ पे एक, एक फंदा उल्टा है उल्टा बुनेंगे, एक सीधा है सीधा बुनेंगे, जाली डालेंगे और दो फंदे सीधे बुनेंगे, और लास्ट वाला फंदा उल्टा ऐसे। तो ये हमारी 19th रो जो है वो इस तरह से बनती जाएगी, और 20th रो बना लेते हैं हम पूरी। तो 20 सिलाइयों के बाद देखिए ये पैटर्न ऐसे नज़र आएगा। और अब बनाते हैं हम 21वीं सिलाई, 21st रो, पहला फंदा स्लिप, धागा पीछे, तीन फंदे सीधे, एक दो तीन, एक जाली, एक फंदा सीधा। और अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट जो है हम दो का एक करेंगे, तो यहाँ एक उल्टा फंदा एक सीधा फंदा है, तो इन दोनों को आप घुमा लेंगे इस तरह से स्लिप करके, और बैक लूप से साथ में बुन लेंगे, तो ऐसे करेंगे। बीच में एक फंदा उल्टा नज़र आ रहा है, उसे उल्टा बुनेंगे, फिर दो का एक हम ऐसे करेंगे, उल्टा और सीधा फंदा मिला के ऐसे साथ में बुन देंगे, फिर एक फंदा सीधा है सीधा बुनेंगे, जाली डालेंगे, तीन फंदे सीधे बुनेंगे, और एक फंदा उल्टा। तो अब ये फंदे जैसे हमने बुने हैं 14 फंदे, वैसे ही रिपीट करेंगे। देखिए तीन फंदे शुरू में सीधे बुने, एक जाली डाली, एक फंदा सीधा, और ये दो फंदों को हम ऐसे साथ में बुनेंगे, और ये उल्टा फंदा उल्टा बुनेंगे, धागा पीछे, दो का एक ऐसे करेंगे यहाँ पे, फिर एक फंदा सीधा, जाली, तीन फंदे सीधे, और लास्ट में एक फंदा उल्टा। तो 22वीं सिलाई भी हम पूरी बना लेते हैं। तो अब देखिए 23rd रो हम किस तरह से बनाएंगे 23वीं सिलाई। तो पहला फंदा हम स्लिप करेंगे, धागा कर लेंगे पीछे, और अब देखिए शुरू में जो ये चार फंदे सीधे सीधे नज़र आ रहे हैं, अब हमने इन पे केबल डालना है। तो केबल डालने के लिए पहले हम आगे वाले दो फंदों को देखिए इस तरह से रॉन्ग साइड की तरफ से सामने लेके आएंगे इस तरह से, और फिर इन दो फंदों को पहले बुनेंगे सीधे सीधे ऐसे, और फिर ये दो फंदे। तो यहाँ पे हमने इस तरह से केबल डाल लेना है। आप देखिए एक जाली, और यहाँ पे दो फंदों को ऐसे साथ में बुन लेना है ऐसे। बीच में एक फंदा उल्टा नज़र आ रहा है, इसे हम उल्टा बुनेंगे, धागा पीछे, दो का एक यहाँ पे ऐसे करेंगे, जाली डालेंगे, और यहाँ पे अब हमने देखिए जैसे यहाँ पे बनाए हैं ये डिज़ाइन, वैसा यहाँ पे शुरू हो जाएगा बनना। तो अब हमने यहाँ पे देखिए बाहर की तरफ पहले केबल यहाँ ऐसे बनाना है, फिर ऐसे बनाना है। तो फिर पहले अब हम यहाँ सामने की ओर से दो फंदे ऐसे बुन लेंगे ऐसे, फिर उसके बाद ये ऐसे, बीच में एक फंदा उल्टा, और यहाँ पे भी अब हम आगे वाले दो फंदों को जो है रॉन्ग साइड की तरफ से सामने लेके आएंगे, और फिर इन्हें पहले बुन लेंगे। तो यहाँ पे हम इस तरह से केबल डाल लेंगे। अब यहाँ पे जाली डालेंगे एक, और यहाँ पे दो फंदों को हम ऐसे साथ में बुन लेंगे। अब एक फंदा उल्टा नज़र आ रहा है, इसे उल्टा बुनेंगे, और यहाँ पे देखिए फिर से अब हाफ डिज़ाइन पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए दो का एक यहाँ पे ऐसे कर लेंगे, जाली डालेंगे, और यहाँ पे अब केबल डालेंगे। तो केबल पहले देखिए हमने इस साइड को डाली है, तो अब यहाँ पे जो है इस साइड को पड़ेगी, राइट साइड को। तो अब ये हम ऐसे यहाँ पे केबल डालेंगे, और लास्ट वाला फंदा जो है हम उल्टा बुन लेंगे ऐसे। तो 24th रो हम बना लेते हैं।
तो अब आ गए हैं हम 25वीं सिलाई पे। तो 24 सिलाइयों के बाद देखिए डिज़ाइन ऐसे नज़र आने लगता है। और अब बनाएंगे हम 25th रो पे देखिए पहला फंदा स्लिप करेंगे, उसके बाद धागा पीछे करेंगे। और अब देखिए जो चार केबल वाले फंदे हैं ये सीधे सीधे बुनने हैं। अब हमने 1, 2, 3, 4 इसके बाद एक फंदा हमने ये जाली से बुना हुआ उल्टा बुनना है, धागा आगे करके ऐसे धागा पीछे कर लेंगे और ये सीधा फंदा जो नज़र आ रहा है इसे सीधा बुन लेंगे। अब एक फंदा उल्टा, जो उल्टा नज़र आ रहा है एक सीधा सीधा, और ये जाली से बना हुआ फंदा उल्टा, धागा पीछे और ये चार फंदे केबल वाले सीधे सीधे। उसके बाद एक फंदा उल्टा। तो ये देखिए यहाँ से यहाँ हमारी ये 14 फंदे जैसे बने हैं हमने रिपीट करने हैं। तो चार फंदे केबल वाले हम सीधे सीधे बुनेंगे। चार फंदे सीधे बुनने के बाद एक फंदा उल्टा बुनेंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे, एक बीचों बीच ये उल्टा बुनेंगे, एक सीधा, एक उल्टा और चार सीधे और लास्ट वाला एक उल्टा। तो ये हमने 14 स्टिचेस को रिपीट कर लिया है। और देखिए अब हमने जो रॉन्ग साइड पर बनानी है रो उस पर सीधे पे सीधा उल्टे पर उल्टा बनाना है। तो इस बार हमने ये जो जाली से बना हुआ फंदा है वो हमने जो है उल्टा बुना है, तो कई बार मिस्टेक हो जाती है। तो हम इसे ध्यान से देखिए, यहाँ पे हमें सीधा नज़र आएगा, इसे हमने सीधा बुनना है, तो जल्दी जल्दी में उल्टा नहीं बुनना है। तो अब हम ये 26वीं सिलाई भी कंप्लीट कर लेते हैं। तो अब बनाएंगे हम 27th रो फ्रंट साइड पे। देखिए पहला फंदा कर लेंगे हम स्लिप, धागा पीछे, यहाँ पे हमने केबल डालना है जैसे पहले डाला। ये आगे वाले फंदे जो हैं हम रॉन्ग साइड से इस तरह से उठा के लाएंगे सामने और यहाँ पे लगा लेंगे और इन्हें सीधा सीधा बुन लेंगे। अब चारों फंदे इस तरह से सीधे सीधे बुन लेंगे हम यहाँ पे, और ये हम यहाँ पे केबल का डिज़ाइन डाल देंगे ऐसे। तो इसके बाद एक फंदा उल्टा है, एक सीधा है, फिर एक उल्टा है, एक सीधा है, एक उल्टा है, और इसके बाद एक केबल डलना है हमारा यहाँ पे चार फंदों का, धागा पीछे। तो हम यहाँ पे ऐसे बुन लेते हैं तीसरा फंदा, फिर चौथा फंदा, फिर पहला और ये दूसरा। उसके बाद एक फंदा उल्टा नज़र आ रहा है, उल्टा बुनेंगे। अब यहाँ पे फिर से हमने केबल डालना है, रॉन्ग साइड से हम लेके आएंगे ऐसे दो फंदों को, आगे वाले तीसरे और चौथे ऐसे ऐसे हम लगा के यहाँ पे सीधे सीधे बुन लेंगे इनको और केबल डाल देंगे। एक फंदा उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा और यहाँ पे चार फंदों का केबल ऐसे। लास्ट में एक फंदा उल्टा। तो ये हमारी जो है लास्ट फ्रंट साइड की रो थी जो हमने बना ली है। अब हम बना लेते हैं लास्ट रॉन्ग साइड की रो, सीधे पे सीधा उल्टे पे उल्टा। तो फ्रेंड्स ये जो है यहाँ पे 28 पूरी रोज जो है वो मैंने बना ली हैं, और अब इसके ऊपर जो है हमने इन्हीं 28 रोज को रिपीट करते जाना है। तो देखिए जैसे जैसे ये रिपीट करते जाएंगे तो बहुत अच्छा, ये देखिए एक बार में ही बहुत अच्छा बन के आया है देखिए। और जब ये आपका पूरी प्रोजेक्ट पर पड़ेगा तो बहुत प्यारा आपका जो है थोड़ा ये डिज़ाइन जो है थोड़ी मेहनत वाला है, और जितनी मेहनत वाला डिज़ाइन होता है उतना ही अच्छा आपका प्रोजेक्ट बन के तैयार होता है। तो यहाँ इस सैम्पल पर मैंने ये दो बार बनाया हुआ, तो देखिए कितना
प्यारा लगता है जैसे जैसे ऊपर उठता जाता है, तो बहुत सुंदर लगता है। इस तरह से देखिए बहुत प्यारा लग रहा है। तो ये मोटी बूल पे भी अच्छा आया हुआ है, तो ये बहुत ही सुंदर लग रहा है। तो देखिए कलर्स, देखिए इसमें आप कोई भी लाइट कलर्स लीजिए, बहुत अच्छा लगने वाला है। तो बनाइए फिर बताइए कैसा लगता है। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।